एवरीवन मेंटर 365 चैनल में आपका स्वागत है और एक नई इंटरव्यू सीरीज की मोटिवेशनल सीरीज की हमने शुरुआत करी है। आज सबसे पहले हमने इनवाइट करा है बनारस से किशन गुप्ता को, जो है एक्साइज इंस्पेक्टर सिलेक्टेड एंड SSC CHSL। इन्होंने एग्जाम निकाला है और काफी सारे एग्जाम्स इन्होंने क्रैक करे हैं। आज जानते हैं इनसे इनकी जर्नी के बारे में, कैसे इन्होंने प्रिपरेशन करी, कैसे क्या स्ट्रेटजीज रही, क्या गलतियां, सबसे बड़ी चीज़ है कि क्या गलतियां नहीं करनी है। मैं हमेशा इसी चीज़ पे फोकस करता हूं कि अगर आप गलतियां नहीं करोगे और आप सही स्ट्रेटजी, सही गाइडेंस, सही बुक्स के साथ अगर आप आगे बढ़ोगे तो 100% आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि भाई, सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू भाई, और आपका वेलकम है मेंटर 365 चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपकी जर्नी की शुरुआत कब हुई, कैसे आपको लगा कि हाँ यार, एक गवर्नमेंट जॉब एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए दिमाग में आया कि एक्साइज इंस्पेक्टर करना है? भाई सौरभ बताए तो जर्नी की स्टार्ट तो मेरी 2014 में हो गई थी। मैं पहली बार अपने नानी के घर गया था, उस समय भैया की शादी में, और वो इस समय ऑडिट ऑफिसर है, कैलकटा कैग में पोस्टेड है। तो उसकी लाइफस्टाइल को देख के मुझे ऐसा लगा, यार क्या बात है, सब कुछ है इसके पास। तो मुझे लगा यार करना तो पड़ेगा ऐसा ही कुछ। फिर मैंने भैया से पूछा कि भैया बताओ ऐसा कैसे बनेगा, मुझे भी यही बनना है। तो फिर भैया ने बोला कि देख बेटा, अब तो WO के एग्ज़ाम होता नहीं है, तो तुम और भी बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, एक्साइज इंस्पेक्टर्स हैं, तो आप दूसरा कुछ भी बन सकते हो। तो मैं बोला भाई ठीक है, बता यूनिफॉर्म किस में, क्योंकि बचपन से मुझे यूनिफॉर्म पहनने का बहुत शौक था। वर्दी का तो होता ही है कि यार एक बस वर्दी हो, दो तीन सितारे लगे हो और एक जबरदस्त, क्योंकि वर्दी का एक अलग ही रुतबा है अपनी सोसाइटी के अंदर। तो उसके बाद फिर कैसे क्या रहा? तो उसने बोला कि भाई यूनिफॉर्म तो तुझे एक्साइज इंस्पेक्टर में मिलेगा। तो बस उसी क्षण मैंने तय कर लिया था कि भाई बनना तो एक्साइज इंस्पेक्टर ही है। और फिर ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर तक पढ़ाई की, थर्ड ईयर से हल्की फुल्की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी मैंने। अब वही कहते हैं कि अगर उसी समय मुझे प्रॉपर गाइडेंस मिल गया होता तो मैं और जल्दी सक्सेस हो गया होता। थोड़े से इन गाइडेंस को, जैसे मेरा 2018 का अटेम्प्ट रह गया था, उस समय प्रॉपर गाइडेंस मिली होती तो मैं 2018 में एक्साइज इंस्पेक्टर हो चुका होता। बट हाँ, गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। अगर वो गाइडेंस मुझे उस समय मिली होती जो इस समय आपको सौरभ सर दे रहे हैं अपने मेंटर 365 चैनल के थ्रू, तो मेरे भी अभी 2 साल बच गए होते, मैं भी कहीं ज्वाइन करके बढ़िया अपने लाइफ को इन्जॉय कर रहा होता। बट कोई बात नहीं, यही गलती आपको नहीं करनी है। मेंटर 365 आपको जो बता रहे हैं यहाँ पे सौरभ सर, बिल्कुल इसको फॉलो करते रहिए। गाइडेंस जो आपको, एक छोटी सी शुरुआत करी है भाई हमने, क्योंकि मैंने भी फील किया है, आपने भी फील किया है कि स्टार्टिंग का ना 1-1.5 साल हमारा इसी में ख़राब हो जाता है कि भाई कौन सी बुक लें, किस टीचर से पढ़ें, कैसे शुरुआत करें। बिगनर बच्चा बस इसी में उलझ के रह जाता है और 1-1.5 साल पहला अटैम्प्ट उसका ख़राब हो जाता है। एक पहला अटैम्प्ट गया, 2 साल गए। तो मैंने एक छोटी सी पहल की शुरुआत करी। पहले आपको पता है किशन भाई, मैंने आपसे डिस्कस भी किया, फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें करी, बट लोग फ्री ऑफ कॉस्ट की वैल्यू करते नहीं है। नहीं, नहीं करते। और फ्री ऑफ कॉस्ट से ऐसा नहीं है, काफ़ी 5,000 बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस प्रोवाइड भी करी, बट उसमें काफ़ी सारे सिलेक्शन भी हुए, बट वो नेम और फेम नहीं लगता बच्चों को कि है नहीं। फिर आपने कहा कि पेड चीज़ें करके देखिए एक बार, तो अभी बहुत कम फीस पे, एक नॉमिनल सी फीस पे आप ये माने दिन के 5-7 रुपए की फीस पे हम स्टार्ट करें जी। नहीं, बहुत बढ़िया स्टार्ट किया आपने, ऐसे बच्चों को गाइड करी, क्योंकि ये जो बच्चे उलझ के रह जाते हैं ना सिलेबस और बुक्स में, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको कौन सी किताबें नहीं पढ़नी है। ये गलती आप अगर करेंगे कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, तो फिर आपके 1 साल बर्बाद होने हैं। आपको सबसे पहले यही फिगर आउट करना है कि कौन सी किताबें आपको नहीं पढ़नी है, कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है जो एक तैयारी के दौरान हम करते हैं। दूर से ऐसा लगता है कि हाँ दिल्ली जाके तैयारी कर लेंगे या वहाँ जाके तैयारी कर लेंगे, लेकिन जब आप तैयारी के फेज़ में आते हो ना, तो छोटी छोटी ऐसी बहुत सी गलतियाँ होती हैं जो आपको दिन पर दिन लेट करते जाते हैं। 1-2 साल ऐसे निकल जाएंगे आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। और कब एज 21 से 24 हो जाती है। और एक किशन भाई, इस पे क्या कहना है आपका कि आजकल बच्चों के पास ना 8-8, 10-10 बुक्स, 15-15 बुक्स PDF, क्योंकि हम अपने टाइम में जो 2017 में करते थे, इतना ऑनलाइन नहीं था, इतना PDF का क्रेज नहीं था जितना PDFs बांटी जा रही हैं, खुद के नोट्स पे बनाने पे ध्यान नहीं। तो उस पे एक बार गाइड कीजिए बच्चों को, कैसे खुद के नोट्स बनाएं, कैसे एक बिगिनर बच्चा अगर शुरुआत करता है तो कैसे उसको क्या कुछ करना चाहिए। देखिए, मैं अगर बताऊं किताबों के बारे में, तो 10 किताब नहीं पढ़नी आपको, हर सब्जेक्ट के मुश्किल से 1 या 2 किताबें, उन्हीं किताबों को आपको बार बार पढ़ना है, ठीक है। आप जब किताबों का बोझ लेके सिर पे चलोगे ना, तो फिर आप कर नहीं पाओगे। आपको धीरे धीरे छोटे छोटे टारगेट्स बना के क्लियर करने हैं अपने टारगेट को। ऐसा नहीं है कि किसी ने बोल दिया कि भाई मैथ्स की ये भी बुक खरीद ले, ये भी बुक खरीद ले, और हम 1.25 लेख भी ना लगा रहे हो, तो फिर उस किताबों का फ़ायदा क्या है।
तो किताबें बहुत ही कम खरीदी है, बहुत ही कॉन्साइज बुक्स खरीदी है जो सही में आपको सिलेक्शन तक पहुंचाएंगी। ठीक है, आपको यहाँ पे मुझे लगता है कि सौरभ सर आपको सारा कुछ बताते होंगे कौन सी किताबें पढ़नी है, कैसे पढ़नी है। बिल्कुल, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे, मैं अपनी ऑडियंस को भी बताना चाहूँगा कि भाई ने भी अपना एक चैनल स्टार्ट करा है सिर्फ गाइडेंस के लिए, अब बच्चों के लिए। मैंने रिक्वेस्ट करी थी कि भाई प्लीज़, काफ़ी सारे बच्चे हैं जो इस चीज़ को चाहते हैं, तो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इंस्पेक्टर किशन के, किशन के हाँ इंस्पेक्टर किशन आप के जाके नाम देख है। सकते हैं। अब नोट्स पे बता दो भाई एक बार कि नोट्स कैसे बनाएं यार बच्चे। देखिए मैं तो नोट्स में, आप विश्वास नहीं करोगे कि मैं सीजीएल में एज एक्साइज इंस्पेक्टर हूँ और मेरे पास एक भी सब्जेक्ट का प्रॉपर नोट्स नहीं है। नोट्स ये है कि आप जो भी, क्योंकि आपको ये बताओ कि मैंने कोचिंग ली नहीं है, बस जैसे जो जो सर लोग बोले थे गाइडेंस पे काम किया, तो धीरे धीरे कहीं कहीं से मटेरियल निकाल के पढ़ाई की है, क्योंकि मुझे गाइड करने वाला कोई था नहीं। लेकिन अभी आपको जो गाइडेंस मिल रही है, इस गाइडेंस को पूरा इस्तेमाल करिए, हर एक चीज़ का प्रॉपर नोट्स बनाइए। और नोट्स ऐसा होना चाहिए ना कि आपको कोई दोबारा किसी चीज़ को पढ़ने की जरूरत ना हो, सिर्फ उसी नोट्स को पढ़ने से आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाए। नोट्स का बहुत बड़ा रोल है। जब भी मैं नेक्स्ट एग्जाम के बारे में सोचता हूँ तो मैं सोचता हूँ यार नोट्स होता तो पढ़ लेता, अब फिर से मुझे वही चीज़ दोबारा स्टार्ट करना पड़ता कि वो वीडियो ढूंढे, ये वीडियो ढूंढे, फिर उसको रिवाइज करें। नहीं, नोट्स को प्रॉपर बनाइए, हर एक सब्जेक्ट के नोट्स को बनाइए। जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मैथ्स का पढ़ रहे हैं, मैथ्स के हर एक क्वेश्चन का नोट बनाइए। जो क्वेश्चन आपसे बार बार गलत हो रहे हैं उन क्वेश्चन का नोट बनाइए। साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, सबका प्रॉपर नोट्स बनाइए, ताकि आप एक बार में रिवाइज कर सकते हो एग्जाम से पहले। आपको एग्जाम से पहले आप बिल्कुल पजल्ड ना हो कि मुझे क्या चीज़ कहाँ से पढ़ना है। आपके पास पूरा मटेरियल एक कॉन्साइज वे में होना चाहिए कि हाँ इसको पढ़ लेंगे, सारा सिलेबस रिवाइज है। और दूसरी चीज़, बच्चे जैसे बिगनर है तो कोचिंग कितना, एसएससी के फील्ड में मुझे, क्योंकि यूपीएससी के फील्ड में कहा जाता है आप कोचिंग ले ना ले वो आपके ऊपर है, लेकिन मुझे कहा, जब जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए बच्चे को? देखिए अगर बिगिनर है तो एक बार कोचिंग तो लेनी चाहिए, लेकिन कोचिंग में आपको क्या मिलती है, मटेरियल। कोचिंग में आपको गाइडेंस नहीं मिलेगा, गाइडेंस आपको इन जैसे जो मेहनत कर रहे हैं लोग, सौरभ सर जैसे लोग हैं, यही लोग आपको गाइड कर सकते हैं। आप कोचिंग तो आपको लेना पड़ेगा, लेकिन कोचिंग के बाद उस कोचिंग कोचिंग का कम से कम 6-7 महीने, एक बार छः कोचिंग सात महीने तो कोचिंग करनी पड़ेगी। जब आपको एक बार गो थ्रू हो जाओगे सिलेबस से, क्या है सिलेबस, क्या आता है, कितना आता है, उस सिलेबस को यूज़ कैसे करना है, आपके माइंड में रिटेन भी तो होना और चाहिए वो सिलेबस। मैं एक बार आपकी बुक लिस्ट की तरफ आना चाहूंगा भाई किशन, कि आपकी बुक लिस्ट क्या कुछ थी एक बार, सब्जेक्ट वाइज आपकी स्ट्रेटेजीज, क्योंकि मेरे पास काफी सारे जो डाउट्स आते हैं बच्चों के, एक एक डाउट करके मैं आपसे पूछता चलूंगा, और उम्मीद करता हूँ बच्चों के वो डाउट्स क्लियर होते चलेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पे अपने बुक लिस्ट और स्ट्रेटेजी के बारे में बता रहा हूँ, और वैसे मैंने अपने चैनल पे भी इसको डाल रखा है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरी बुक लिस्ट बहुत सी छोटी सी है। मैथ्स की मेरे पास 2 किताबें हैं, जीके के लिए 2 किताबें हैं। मैथ्स के लिए एक एक चीज बताते हैं कि मैथ्स के लिए आपने सबसे पहले कौन सी फॉलो किया था, क्या चीज? मैथ्स के लिए तो जब हमारे जमाने में चलता था तो उस समय लाल किताब चलती थी, हाँ, आप भी पढ़े होंगे लाल किताब। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब तो पैटर्न चेंज हो चुका है, लेकिन फिर भी एक बार आपको बेसिक्स के लिए उसको तो करना ही अब पड़ेगा। लाल किताब की जगह नीली किताब, अब पिनेकल नीली आ किताब गई है। होगी पहले अब, राकेश हाँ यादव सर की चलती थी किताबें, अभी पिनेकल मैथ्स के लिए हाँ, ज्यादा अब बेटर है। पिनेकल है, उसमें 6800 क्वेश्चंस हैं, मेनली टीसीएस पैटर्न के क्वेश्चंस हैं। हमें प्रीवियस ईयर पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, हमें ध्यान ये देना है कि जो टीसीएस 2018 से अब तक एग्जाम लिया है, जो जो क्वेश्चंस उसने पूछे हैं, जिस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे हैं, उस क्वेश्चंस को अपने दिमाग में रखना बहुत जरूरी है, कि आपको जब एग्जाम हॉल में स्क्रीन पे वो क्वेश्चन पॉप हो तो आपको ये सोचना ना पड़े कि मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है, आपका क्वेश्चन वो लगाया होना चाहिए। क्योंकि आप जहाँ तक देख रहे हो, मेरे ख्याल से टीसीएस केवल कैलकुलेशन करा रहा है। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया क्रिस्टल क्लियर है और आपका कैलकुलेशन फास्ट है, तो फिर मैथ्स के लिए तो मैं बोलता हूँ कोई किताब की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर कैलकुलेशन पे आपने वर्क किया हुआ है तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती है। फिर आ जाते हैं जीएस के ऊपर, क्योंकि जीएस बच्चों को लगता है अथा है, हाँ। लेकिन ऐसा है नहीं एसएससी के फील्ड में, अगर हम बहुत लिमिटेड चीज़ें पढ़ लेते हैं, क्योंकि वही 50 में से सबके आने वही 25 से 30-35 नंबर हैं, और बच्चे मेहनत ज़्यादा कर देते हैं। तो मैं आपको अपने जीएस की स्ट्रेटेजी के बारे में बताता हूँ। देखिए ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है, हमारे सौरभ सर के लिए अलग हो सकता है, क्योंकि ये तो मुझसे कई गुना ज़्यादा है जीएस में, मैं तो बिल्कुल ही जीरो हूँ। ऐसा कुछ नहीं भाई। लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ, जीएस मेरे लिए लिस्ट प्रायोरिटाइज सब्जेक्ट था। मेरा एम यही होता था कि मुझे 25+ स्कोर करना जीके में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए मुझे। 22 भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, मेरा एम ये होना चाहिए कि मुझे जो 3 सब्जेक्ट है जो सर्टेन है कि हाँ इससे क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, उन सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करके रखे कि हम 150 में 140+ स्कोर कर सके। और जीएस में 20-22 नंबर 25 नंबर भी आ गए तो स्कोर हमारा 165+ हो जाता था।
तो ये बहुत ही बढ़िया था। तो जीएस के 25 प्लस क्वेश्चन करने के लिए मैंने 2-3 किताबें पढ़ी हैं। एक तो मनोहर पांडे जी की 25 रुपए की किताब आती, पतली सी, बहुत महंगी भी है, 35 रुपए अच्छा, उस पे हो गया। हमारे समय 25 रुपए की आती थी, अभी एक दो साल पहले लगभग अभी 30-35 का चल रहा है उसमें। एक वो किताब है, उससे आप सारी चीजें पढ़िए, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस, और पीछे उसके स्टैटिक्स पार्ट दिए हुए हैं, उनको पढ़िए। सेकेंड थिंग है, एक घटना चक्र हो सकती है, या आप किरण पब्लिकेशन की जो इस समय अपडेटेड बुक आ रखी है, किरण पब्लिकेशन, शायद सौरभ सर भी आपको रिकमेंड करते हैं, चैप्टर वाइज किरण हम करवा रहे हैं, बिल्कुल चैप्टर वाइज किरण है, उसको आप बिल्कुल कर सकते हैं। पिनेकल मुझे लगता है यार नहीं, अच्छी बुक नहीं है कि जीएस की अभी जो। देखिए मैं जहां तक जो चीजें मैं यूज करता हूँ उसी के बारे में अच्छा बुरा कह सकता हूँ, तो मैंने अभी उसको देखा है नहीं, बट किरण को और घटना चक्र को देखा है, तो दोनों एक ही चीज है, अच्छी चीज है, दोनों अच्छी चीज है। आपको वहां से क्वेश्चंस को करना है, उसके बाद उसके डिस्क्रिप्शन को दोरोली पढ़ना है, क्योंकि एक डिस्क्रिप्शन से आज से 2-3 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल। तो और एक किशन भाई, मेरे को एक बात दिमाग में याद आ गई अभी इंग्लिश का, क्योंकि आपकी एक जर्नी रही है इंग्लिश को लेकर कि इंग्लिश को आपको करना था, नहीं हो पा रही थी, कैसे आपने इंग्लिश को अपना स्ट्रॉन्ग करा, वो बच्चों को बताएं इंग्लिश कैसे। मैं आपको बताता हूँ, एक स्टोरी बताता हूँ आपको, ये हमारे गुरुकुल टाइम की स्टोरी है, जब हम और सौरभ सर एक साथ तैयारी कर रहे थे। बिल्कुल। तो एक एमबी पब्लिकेशन की बुक आती है, वो मेरे पास उस समय थी नहीं, मैं तो ऐसे ही बस नीतू सिंह मैम की बुक से पढ़ाई कर रहा था इंग्लिश, और मेरा इंग्लिश में स्कोर होता नहीं था, इंग्लिश में मैं 25 में से 17-18 क्वेश्चन कर पाता था। फिर मैंने इनसे मिला, इन्होंने मुझे बताया कि आप एक एमबी पब्लिकेशन की बुक है उसको करिए। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे यहाँ तक हेल्प किया कि किशन ये मेरे पास पीडीएफ पड़ी हुई है ईडीएम फ्रेजेस की, इसको ले लो, इसको याद करके मुझे सुनाया करो। फिर मैं संडे को इनको सुनाता भी था उसे याद करके कि भाई 1 से 50 तक याद किया मैंने, इसको सुन लो मेरे, सही है कि नहीं सही है। तो बहुत ही हद तक हेल्प किया था मुझे सौरभ सर ने इंग्लिश के लिए, लेकिन फिर भी एक वेब सीरीज का रोल, वेब सीरीज का रोल तो मेरे इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि मुझे मूवीज देखना, वेब सीरीज देखना बहुत पसंद है। आप अभी मैं जॉब में नहीं था, फिर भी मेरे पास प्राइम, नेटफ्लिक्स सबका सब्सक्रिप्शन पड़ा हुआ है, अब तो मान लीजिए साल साल भर के लिए, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो, बहुत ज़्यादा। ये रियलिटी भी है, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, हिंदी एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज को पकड़नी है, लैंग्वेज को जितना सुनोगे और जितना बोलोगे लिखोगे, तीन चीजें हैं, राइट, रीड और लर्न। जितना आप इन चीजों को करोगे लैंग्वेज आप सीखते चले जाओगे, डरना नहीं है लैंग्वेज से। यही चीज मैं बच्चों से कहना चाहता हूँ कि आप जब तक इंग्लिश को फील नहीं करोगे ना, आप स्कोर नहीं कर पाओगे। आप ये सोचोगे कि मैं ग्रामर पढ़ पढ़ के इंग्लिश में 180 प्लस कर दूं, मैं दावा कर सकता हूं कि कभी नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अभी यही चीजें आपको करनी पड़ेंगी, पहले एक बार बेसिक्स ग्रामर के करो, फिर वोकैब करो, वोकैबुलरी होनी किसी भी चीज़। मैं आपको बताता हूं, जैसे कि आपको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ तो चाहिए भाई, कि किस पैटर्न पे इंग्लिश का क्वेश्चन आता है, तो उसके लिए आपके पास सौरभ सर ने आपको बताया होगा कौन सी किताब पढ़नी है। बिल्कुल, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि वेब सीरीज मूवीज का बहुत ज्यादा, या नॉवेल्स जो है उसका बहुत ज़्यादा रोल है इंग्लिश में, ठीक है। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा पेपर A to Z पढ़ो, आपको जिस चीज़, जो भी आर्टिकल आपको अच्छा लगता है, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो, स्पोर्ट्स में, इकोनॉमिक्स में, ठीक है, और जो डेली टू डेली इंसिडेंट्स होते हैं इन सब में, जो भी आर्टिकल आपको अच्छा लगता है पढ़िए। पेपर पढ़ने का मन नहीं करता है तो जो नॉवेल्स के आपके जॉनरे बहुत पसंद है आपको, जो फिक्शन हो गया या रियलिटी शोज हो गया, इन सब के जो नॉवेल्स आते हैं इनको पढ़िए। ये भी नहीं कर पा रहे हैं, वेब सीरीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो किसी एक वेब सीरीज को पकड़िए। और बट सबसे जो बेस्ट इफेक्टिव तरीका वो तो न्यूज़पेपर ही है। न्यूज़पेपर से दो फायदे हैं, कोई कर पाता तो न्यूज़पेपर से आपको दो फायदे हैं, एक तो आपकी रीडिंग स्किल अच्छी होगी, और दूसरी आप डेली टू डेली न्यूज से अपडेट रहोगे कि लाइफ में चल क्या रहा है, ठीक है। तो आपको दूसरी जगह भी फायदा कर सकता है, लेकिन सिर्फ इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूँ तो न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी नहीं है, मतलब स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन जो अगर आप मेंस लेवल पे जाएंगे तो कॉम्प्रिहेंशन है, क्लोज टेस्ट है, काफी सारी चीजें, बहुत सारी चीजें होती हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। बिल्कुल, कितने एडिटोरियल्स जो होते हैं वो डायरेक्ट एसएससी के मेंस के उसमें आ जाते हैं पेपर में, क्लोज टेस्ट एज इट इज हिंदू से उठा लेते हैं, बिल्कुल हिंदू से आ जाते हैं, तो वो आपको हेल्प कर सकते हैं। अब अगले पे आ जाते हैं, रीजनिंग। रीजनिंग को बहुत हल्के में ले लेते हैं बच्चे, ये बहुत बड़ी गलती है रीजनिंग। इसके लिए भी मैं इनका ये एग्जांपल दूंगा, गुरुकुल की बात है, इन्होंने मुझे समझाया था कि किशन तेरा रीजनिंग में 38-39 मार्क्स आते हैं भाई, तू तो 10 नंबर यहीं पीछे हो जा रहा है, क्योंकि उस समय रीजनिंग में इनके 47-48 मार्क्स आते थे और मेरे 38 मार्क्स आते थे। तो मैं सोचता था कोई नहीं 40 तो आ जा रहा है, लेकिन बहुत, क्योंकि बच्चों को लगता है, क्योंकि देखो हम जाते हैं मैथ पे और हम इंग्लिश में देखते हैं कि यार 40 नंबर अच्छे नंबर हैं, मैथ में देखते हैं 40-42 नंबर अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन रीजनिंग में हम वही अपने आप को कर लेते हैं कि 40-42 अच्छे हैं, जबकि रीजनिंग में इजीली 40-42 तो बिल्कुल ही अच्छे नहीं। रीजनिंग का मतलब है कि आपके 47.5 तो होने ही चाहिए मिनिमम,
एक आग सिली मिस्टेक हो जाता है, वो कोई बात नहीं, ह्यूमन एरर है, लेकिन 47.5 तो आपका होना चाहिए, क्योंकि रीजनिंग से, रीजनिंग में आप कम होंगे, दो नंबर भी कम होंगे तो आप 10,000 रैंक पीछे हो जाओगे। बिल्कुल, रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट है, रीजनिंग में स्कोर बहुत ही अच्छा होना चाहिए। रीजनिंग में गलती करने को आप बिल्कुल नहीं सोच सकते कि हाँ चलो 2-4 सवाल गलत हो गए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रीजनिंग को आपको बिल्कुल ध्यान से करना है, और रीजनिंग के लिए कोई कोचिंग की जरूरत नहीं है। रीजनिंग तो आपके एप्टीट्यूड पर डिपेंड करता है कि आपका माइंड, आपका आईक्यू कैसा है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, कोई कोचिंग जरूरत नहीं है। आप मॉक्स दो, मॉक्स में 25 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, उनको सॉल्व करो, जो गलत हो रहे हैं उनको एनालाइज करो, जिस चैप्टर्स के क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहे हैं उनको यूट्यूब पे जाके किसी स्पेसिफिकली वीडियो से देख के पढ़ लो, ठीक है, तो वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है आपका, धीरे धीरे रीजनिंग का स्कोर जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। और एक चीज़ जो अभी चल रही है, क्योंकि देखो कोविड के टाइम हमने भी एक फेज देखा था, 2017 का पेपर 2019 में हो रहा था, बिल्कुल, दो दो साल हमें पेपर ही नहीं मिल रहे थे, हम मोटिवेशन लेवल गिरता है कि यार एग्जाम नहीं हो रहे, अब कैसे पढ़ें, फाइनेंशियल इश्यूज भी आते हैं बच्चों को, बड़ी सिटीज़ में रह रहे हैं, हर चीज़ की तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो एक बच्चे को मोटिवेशनल, आपने खुद को कैसे मोटिवेटेड रखा, क्योंकि आपने ग्रेजुएशन के बाद अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी थी लगभग 2016 के आसपास, 17 के आसपास, 18 में, और 18 से लेके आप ये लगाएं कि 21 अभी 21 क्या 22 हो गए, 22 हो गए, 4 साल हो गए, 4 साल हो गए। तो क्योंकि 2 साल तक तो हमें यही नहीं पता होता कि क्या होगा, वो 2 साल तो मेरा उसमें चला गया कि भाई पढ़ना क्या है, नहीं पढ़ना है, तो फिर उसके बाद चीजें हो गई। हाँ, लेकिन उसके बाद आप खुद को मोटिवेटेड कैसे रखते थे? मोटिवेट रखने के लिए तो मेरे पास सिर्फ एक ही फैक्टर है, एक तो आपके पेरेंट्स जो इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आपके लाइफ को बनाने के लिए, और दूसरी चीज आप खुद में ये सोचिए कि क्या करना है आपको, किस लिए स्टार्ट किया था, बिगिनिंग क्यों हुई थी, क्यों आना चाहते थे आप, क्यों ऑफिसर बनना चाहते थे, क्या चाहिए था आपको, इन सारी चीज़ों के बारे में आप सोचेंगे तो आप हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे। एक अक्सर मुझे लगभग, मैं बच्चों से बात करता रहता हूँ तो लगभग एक चीज़ मुझे सुनने को मिलती है कि सर ना एक पीयर प्रेशर क्रिएट हो गया है, मेरे को 2 साल तैयारी करते हो गए, एक पीयर प्रेशर क्रिएट हो गया, उस पीयर प्रेशर से वो जो घर वालों का प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर है कि जॉब नहीं लग रहा, जॉब कैसे लगेंगे, SSC ज्वाइनिंग 2-2 साल लेट कर रही है, ज्वाइनिंग आएगी तब तो जॉब लगेगी, 2-2 साल पेपर नहीं हो रहे तो 2-2 साल डिले हो रही थी चीजें, तो कैसे लगेंगे, बट उसको हैंडल कैसे करना होता है? देखिए ये तो आपके ऊपर है कि आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस कैसे करते हो, और पेरेंट्स भी समझदार हैं इस समय, वो जानते हैं कि भाई जब SSC एग्जाम ही नहीं ले रहा है, SSC रिजल्ट ही नहीं दे रहा तो कैसे मेरा सिलेक्शन होगा, बच्चे का सिलेक्शन होगा। लेकिन जो आपके जो सोसाइटी का पीयर प्रेशर है उसके लिए तो मैं एक ही बात कहूँगा, फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए भाई, हमारे बारे में मेरे माँ बाप के अलावा दूसरा कोई क्या सोचता है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपने वो गधे वाली कहानी सुनी होगी, अगर आप सौरभ सर कहे तो मैं 2 मिनट लेके सुनाऊं। बिल्कुल बिल्कुल समझ सकता हूँ मैं, बहुत अच्छी मोटिवेशनल है, एक बार आप सुनाए। तो मैं आपको बताता हूँ कि एक पति पत्नी होते हैं, उनके पास एक गधा होता है, लेकिन उनको गांव से बाहर निकाल दिया जाता है किसी कारणवश, तो वो एक गांव से दूसरे गांव में जा रहे होते हैं, तो उस समय क्या करते हैं कि पति गधे पे बैठा होता है और पत्नी पैदल चल रही होती है, तो जब दूसरे गांव की तरफ लोग बढ़ते हैं तो दूसरे गांव के लोग कहते हैं कि बताओ कितना बेवकूफ़ इंसान है, पत्नी को पैदल चला रहा है, खुद गधे पे बैठा हुआ है, अच्छी बात है ये? बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। वो बेचारा शर्म के मारे उतर जाता है और गधे पे अपनी पत्नी को बिठा देता है। अगले गाँव में पहुँचते हैं तो वो कहता है देखो यार ये तो बिल्कुल आदमी, कैसा आदमी है, बिल्कुल इसमें क्या बोलते हैं वो मैन पाव, वो मर्दानगी वाली बात होती है। हाँ। कि बताओ अपने पैदल चल रहा है, लड़की को बिठा के रखा है, बिल्कुल जोरू का गुलाम हो रखा है ये। अब वो बेचारा फिर सोच में पड़ जाता है करे क्या, तीसरी बार क्या करता है, दोनों उतर जाते हैं गधे से और फिर पैदल चलते हैं। अगले गाँव में पहुँचते हैं तो क्या बोलते हैं, बताओ कितने बेवकूफ़ हैं ये, गधा है इनके पास फिर भी पैदल चल रहे हैं, उसके ऊपर नहीं बैठ पा रहे। अब वो फिर और कन्फ्यूज़ हो जाता है, लास्ट में वो क्या करता है कि गधे को ही अपने ऊपर बिठा लेता है और फिर पैदल चलने लगता है। फिर लोग उसे यही कहते हैं कि बड़ा बेवकूफ है, गधा है गधे को ऊपर बैठा के ले जा रहा है, खुद गधे पे बैठ के जाना चाहिए। तो सोसाइटी आपको कुछ ना कुछ हमेशा बोलेगी, उसके लिए आपको हमेशा बेफिक्र रहना है कि छोड़ देना है, आपको अपने काम पर फोकस करना है बस। आपके माँ बाप आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, दैट्स इट। दूसरा कोई क्या सोच रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर आप, जैसे होता ये है कि अपनी सोसाइटी में कि लगातार हम सुनते रहते हैं और लोगों की
तो हमें सुनना नहीं है किसी की, हमें फोकस करना है अपनी पढ़ाई के ऊपर, बस बस सीधी सी बात ये है, सीधी सी बात ये। और देखो जितना खुद पे विश्वास रखोगे, जितना अपनी बुक्स पे विश्वास रखोगे, जितना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, जितना अपने मेंटर पे विश्वास रखोगे, ये बहुत बड़ी चीज है। कहीं से भी कोई भी टीचर आपका, चाहे आप राकेश यादव सर से पढ़ रहे हैं, किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं, टीचर ना बदले बार बार, एक ही टीचर पे विश्वास रखें। एक प्रकृति में फोर्सेस भी होती हैं कि हो, नेचुरल फोर्सेस होती हैं, जब आप विश्वास करते हैं ना किसी चीज में तो ऑटोमेटिकली वो फोर्सेस काम करती हैं। बिल्कुल, आपको मैं एक और बात बताता हूँ। जब मैं क्लास ट्वेल्थ में था, तो क्लास ट्वेल्थ में मेरा मैथ्स का एग्जाम था और मैं बीमार पड़ चुका था बिल्कुल। रात में 7 बजे कोचिंग से आया, 7 बजे आके मैंने एक कॉम्बी फिल्म दवा खा के सो लिया था। 12 बजे उठ के मुझे पूरा डिफरेंशिएशन का चैप्टर ख़त्म करना था और डिफरेंशियल इक्वेशन, दो चैप्टर्स ख़त्म करने थे मुझे एक दिन में, और दूसरे दिन मेरा एग्ज़ाम था। मैं आपको बता रहा हूँ 6 बजे तक सुबह तक मैंने पढ़ाई की, 8 बजे से मेरा एग्ज़ाम था। 12 रात से सुबह 6 तक पढ़ाई की, सिर्फ इसलिए कि नहीं मुझे अच्छा स्कोर करना है। और यही है नेचर, अगर नेचर को लगता है कि आप मेहनत कर रहे हो तो नेचर आपके साथ हमेशा रहेगा। मैं आपको बताऊँ कि पूरा चैप्टर कंप्लीट हो नहीं पाया था, दोनों ही आधे आधे चैप्टर कंप्लीट हुए थे, लेकिन जो दोनों क्वेश्चन आए थे पेपर में, वो दोनों क्वेश्चन मेरे पढ़े हुए ही आए थे और मैंने दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। ये चीज़ें मेरे साथ भी हुई है। मेरे साथ क्या हुआ कि जब मैं एक दिन SSC CGL का जब मैं एग्ज़ाम देने जा रहा था, 2017 की बात है, जब मेरा पहला प्री था, जब तैयारी स्टार्ट करी थी 1 महीने के बाद ही, तो उतना कुछ था नहीं कि कुछ करना है। तब तो ये था कि भाई पहला पेपर है, बस देख के आना मस्ती में। बट फिर भी मुझे था कि यार एटलीस्ट पढ़ते तो रहते हैं। तो मैं अपने घर से जब ट्रेन से निकला, सुबह 3:24 की ट्रेन होती है हमारे महेंद्रगढ़ से, सुबह 3:24 ट्रेन थी, मैंने पकड़ा सरायरोला के लिए। तो मुझे लगा यार सोना तो है ही, एग्ज़ाम तो है, करंट अफेयर कर लेते हैं। और मैंने ऐसे रैंडम वीडियो देखनी शुरू करी और 3.5 घंटे लगातार मैं वीडियो देखता रहा 7 बजे तक वहाँ पे उतर के भी। और यकीन मानिए भाई कि 8 से 9 क्वेश्चन जो करंट अफेयर के मिले, वो जो मैंने 3.5 घंटे में जो वीडियोज़ देखी, 6 क्वेश्चन मेरे उनमें से अटेम्प्ट। यही है कि अगर आप, क्योंकि अगर मैं सोचता कि यार एग्जाम देना है, नींद लेनी है, क्योंकि अगर आपने सोच लिया कि एग्जाम देना है, अब नींद पूरी नहीं होगी तो एग्जाम, देखो एक चीज हमेशा याद रखना, तैयारी हमेशा पहले रखो, एग्जाम से पहली वाली रात आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। इसलिए मैं रात को 8 बजे सो गया था कि सुबह 3 बजे उठना है। 6-7 घंटे की नींद आपको होनी चाहिए, क्योंकि ये एकेडमिक्स के एग्जाम नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम। बिल्कुल, लेकिन फिर भी जितने एफर्ट्स आप कर सकते हैं, ट्रेन में आप हमेशा, ट्रेन में, मेट्रो में सफ़र करते हैं, कहीं भी सफ़र करते हैं, अपनी बुक साथ रखिए, पढ़ते रहिए, नॉवेल्स पढ़ लीजिए, न्यूज़पेपर कर लीजिए, ये चीज़ें मुझे लगता है कहीं ना कहीं हेल्पफुल होती हैं। बिल्कुल हेल्पफुल होती हैं। और एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा, जब इंग्लिश का एग्ज़ाम होता है, इंग्लिश का जो मेंस का एग्ज़ाम है, जहाँ प्री का एग्ज़ाम है आपका, जो भी है, इंग्लिश सेक्शन करने से पहले, जैसे कि मेंस का एग्ज़ाम जब होता है हमारा, तो जो 2 घंटे का गैप मिलता है उसको मैं जाया नहीं करता था। उस 2 घंटे में मैं एक नॉवल रखता था अपने साथ, उस नॉवल को मैं पढ़ता था। उससे क्या होता है कि आप फ्लो में आ जाते हो, इंग्लिश के फ्लो में आ जाते हो। जितना अच्छा आपका फ्लो होगा, जितने अच्छी आपकी इंटुएशंस होंगी कि हाँ इन चारों में से यही आंसर सही लग रहा है, अगर वो क्वेश्चन आपको आ भी नहीं रहा है तो 50% चांसेस है कि आप उसको सही कर सकते हो। यही चीज है कि जितना आप रीडिंग करेंगे इंग्लिश को, वो जो अंदर से दिल से आता है ना कि यार बी गलत है, बी गलत वो न्यूज़पेपर पता नहीं है मुझे कि गलत क्या है, लेकिन गलत तो बी है। बिल्कुल, वो जो इंट्यूशन है वो डेवलप होगी आपकी जब आप रीडिंग करोगे। बिल्कुल, अब आते हैं मेन पार्ट पे। मेहनत कर ली, गाइडेंस ले ली, कोचिंग ले ली, तैयारी कर ली, सब कुछ हमने कर लिया, लेकिन एग्जाम क्रैक नहीं होता, 1-2 नंबर से रह जाते हैं। बट लड़ना तो पड़ेगा, क्योंकि 1-2 नंबर से एग्जाम रह गया मतलब कैपेबिलिटी थी हमारे पास। तो वो मोटिवेशन कैसे लेके आते हैं, क्या कहना? देखिए ये तो डिपेंड आपके ऊपर ही करता है, ठीक है। अगर 1-2 नंबर से अगर आप रह जाते हो तो इसका मतलब ये है कि आप बिल्कुल पहुंच चुके हो। इस समय आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, एक अटेम्प्ट और। अब उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको एनालाइज करना है खुद को कि आपने किस मटेरियल को फॉलो किया है, किस मटेरियल को फॉलो करने से आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी है, क्या गलतियां आपने की उस चीज़ में, उन सबको एनालाइज करके एक बार फिर से लगना है। और एक जो हमारी आदत थी जो डायरी बनाने की, डायरी नोट करने की कि दिन में कितना पढ़ा, उसके बारे में एक बार बच्चों को। नहीं, ये मैं करता था। अभी तो फ़ोन आ गया था, फिर मैं फ़ोन में करने लगा। मैं ये फ़ोन में अपने रिकॉर्डिंग ऑन करके स्टार्ट छोड़ देता था, टाइम रिकॉर्डर, कि आज मैंने पूरे दिन में पढ़ाई कितनी देर की है। डायरी में ये लिखता था मैं कि आज मैं खाने कितने देर में खाया, नहाने गया था तो कितने बजे से कितने बजे तक किया। तो इससे आपको क्या होता है ना कि आपके माइंड में एक चीज़ आती है कि यार बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा इधर उधर में। आपको पता चलता है कि आप सो कितने बजे रहे हैं, उठ कितने बजे रहे हैं। तो वो जब आपको ऐसा लगेगा ना कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है कहीं इधर उधर, फिर आप और ज़्यादा फोकस कर पाओगे अपने पढ़ाई के ऊपर।
तो मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ बच्चों को कि ये बिल्कुल करना चाहिए। आप एक डायरी रखिए अपने पास, उसमें नोट करिए कि 6 से 6:30 तक मैं कहाँ था, 6:30 से 7 बजे तक मैं कहाँ था। तो इससे बहुत फ़ायदा होता है, आपको पता चलता है कि आप अपना टाइम कैसे मैनेज कर पा रहे हो। बिल्कुल, तो इसको यहीं पे एंड करते हैं सेशन को, इंटरव्यू सेशन को। एक नेक्स्ट इंटरव्यू सेशन रखेंगे भाई के साथ अपना, और उसमें जानेंगे कि इनका एकेडमिक्स बैकग्राउंड क्या था, फैमिली बैकग्राउंड क्या था, सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या था, कि भाई चीज़ें कैसे इन्होंने स्ट्रगल किया, क्या इनके पास रिसोर्सेज रहे, वो सारी चीज़ें हम एक बार चाहते हैं कि पता चले बच्चों को, क्योंकि सब कुछ पका पकाया नहीं मिलता। बिल्कुल नहीं मिला, पका पकाया तो किसी को नहीं मिलता, पकाना खुद से पड़ता है, अर्न अर्न करना पड़ता है। बिल्कुल, हर बिल्कुल। वही मिडिल लोअर मिडिल क्लास फैमिली से सब कोई उठता है, हमने भी वही करा है, सब उठ के फिर मेहनत करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सेकंड सेशन आप देखेंगे, जरूर आपको पसंद आएगी, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें हम ऐड ऑन करेंगे। थैंक यू, नमस्कार।